हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे हैं और आप लोग इधर अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो माय यूट्यूब फैमिली, आज है वीकेंड, वीकेंड यानी संडे। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज कहीं चलते हैं कोई रिलेटिव्स के घर पर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई अगर ऐसी बात है तो चलो तुम रेडी हो जाओ और चलो हम लोग अपने डेस्टिनेशन को चलते हैं। मैंने पूछे कि कहाँ जाने की तैयारी, कुछ तो बोलिए। एक ही बात, कुछ नहीं, तुम रेडी हो और बच्ची लोगों को भी रेडी करवाओ, उसके बाद मैं एकदम ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँचूँगा ना, तब तुम मेरे से सवाल करना। अब मुझे भी पता नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बोले रेडी हो जाओ। तो चलिए, आज का दिन कैसे होने वाला और ब्लॉग कैसे होगा और क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप क्या कर रहे हैं? कॉम्बिंग। चलिए भाव लग चु, भाव लग चु। ये क्या है? थम्स अप, सब्सक्राइब। अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे। काला टीका लगा देंगे। तो माय यूट्यूब फैमिली, फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन को पहुंच गए हैं और ये है हल्दीराम। आप सबों को पता होगा जो बालीगंज में है, और हल्दीराम के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को एक ही बात बोला, अगर आपको हल्दीराम लेकर आना था तो प्लीज़ मुझे बताना चाहिए था ना, मैं थोड़े से और रेडी हो जाती। आई एम जस्ट जोकिंग। तो फाइनली हम लोग जो है हल्दीराम के ग्राउंड सेक्शन पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पर तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स, कैंडी, बहुत तरह के वराइटीज़ यहाँ पर थे। एज़ यू कैन सी, यहाँ पे देखिए तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स है, और ये गिफ्ट पर्पस के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर आपके आलमंड्स है, और जस्ट वेट वेयर अ मिनट, यहाँ पे आपका पिस्ता है, यहाँ पर किशमिश है और कैश्यू है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप शादी पे मतलब गिफ्ट कर ही सकते हैं, आपको तो पता ही है अभी वेडिंग का सीज़न भी चल रहा है। और यहाँ पे कैंडीज थे जो बच्चों लोग के लिए मतलब कि बहुत ही फेवरेट होता है बच्चों लोग का कैंडीज। तो यहाँ पे पूरे कैंडीज के सेक्शन थे ग्राउंड में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, और इकरा भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मम्मी मुझे लेना तो है, क्या लूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब कि, और हल्दीराम जाहिर सी बात है ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है जो जाहिर सी बात है सबको पसंद आता है। और यहाँ पे तरह तरह के आपके चॉकलेट्स थे, डोनट्स थे, वनीला डोनट्स, चॉकलेट डोनट्स, और यहाँ पे कुछ स्वीट्स थे, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम लोग सेकेंड फ्लोर पे आ गए जो है फूड कोर्ट हल्दीराम का। यहाँ आने के बाद में हम तो बड़े ही कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तो सीट अवेलेबल नहीं है, और एक्चुअली ये वीकेंड था, संडे था। तो कोई बात नहीं भाई, फाइनली इंतज़ार के बाद में हम लोगों को सीट मिल गया बैठने के लिए, तो थैंक्स टू अल्लाह सुबहान ताला। तो हम लोग फाइनली वहाँ पर बैठे। बैठने के बाद में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या खाना है, और टेबल भी इतना मैसी हो रहा था ना, तो वहाँ पर हम लोगों ने बोला कि भाई जल्दी से टेबल को जो है आप लोग क्लीन कर दें, इतना मैसी टेबल है और रश तो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो भाई क्या खाना है, और चाइनीज़ तो मुझे एकदम भी नहीं भाता, मैं चाइनीज़ पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि इंडियन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा की तरह जो है इकरा का वही जो है ना, आप देख ही सकते हैं पाव भाजी, वो इकरा का बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। तो इकरा ने अपने पसंद की पाव भाजी मंगवाई, और मेरे हस्बैंड अपने पसंद से लेकर आए डोसा। तो डोसा मेरे हस्बैंड का पसंद हो गया, पाव भाजी इकरा का पसंद। फिर वहाँ पर एक लेडी आकर मुझसे पूछने लगी कि यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल है, मैंने बोला नहीं, ये ऑलरेडी रिजर्व है, क्योंकि फोर पर्सन के लिए जो है टेबल था। तो क्योंकि टेबल खाली थे ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो फाइनली मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने गोलगप्पे, ये मेरा पसंद नहीं था, ये वो इकरा का पसंद था, और डोसा यहाँ पर है, पाव भाजी वो इकरा के पसंद का था। और भाई मुझे तो जो भी मिला मैं तो खा ही लेती हूँ। और इकरा गई थी लाने के लिए छोले भटूरे, जो मैं वेट कर रही थी,
और मतलब यहाँ के जो आपके खाना है बहुत ही डिलीशियस है। सारे फूड्स मतलब कि मतलब मन मुताबिक है और बहुत ज़्यादा प्राइस बहुत हाई भी नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो बस मैंने तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी शाम के नाश्ते, तो मैंने कुछ खाए नहीं थे। मैंने सुना कि कहाँ जा रही हूँ, तो चलो भाई हल्दीराम आए और वहाँ पर आके हम लोगों ने जो है थोड़े से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फूड्स इंजॉय किया और मतलब कि क्राउड भी इंजॉय किया। तो एनीवेज तो वहाँ पे मतलब हम लोगों ने खाना वहाँ पर खा लिया अच्छे से पेट भर के। उसके बाद में मतलब जैसे खा रही थी ना वहाँ पर, तो कोई ना कोई आ ही रहा था, सब कोई मतलब सीट को लेके बहुत परेशान थे कि आपका हो गया आपका हो गया। मैंने बोला भाई ये बस हाँ थोड़ा बस और वेट कीजिए, हो ही गया लगभग लगभग। तो बस वहाँ पर गई थी और इत्तेफाक से ना वहाँ पर हमारे काफ़ी रिलेटिव्स भी आए हुए थे, तो मतलब कुछ रिलेटिव से हमारी मुलाकातें भी हुई और जो व्लॉग में आना नहीं चाह रहे थे, तो मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो हम लोगों ने फाइनली मेरे हस्बैंड ने, मैंने, इफ्रा इकरा ने अच्छे तरीके से जो है फूड को एंजॉय किया और वीकेंड भी बहुत बड़े मज़े से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और आखिर में सबों ने अपना अपना फ्लेवर वाला आइसक्रीम एंजॉय किया। So my YouTube family, I am ending this video. If you like to my vlog, so please do like, share and subscribe to my channel. और ऐसे ही प्यार देते रहिए और दुआ में याद रखिए। और आपने देखा ना मेरे हस्बैंड ने कैसे मुझे मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, मतलब मुझे कैसे सरप्राइज कर दिया। और बस अल्लाह ताला ऐसे हस्बैंड सबको दे भाई, दुआ में और कमेंट सेक्शन पे आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इतना बोल दो जल्दी से, जज़ाकअल्लाह।